सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं और इसकी कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इसमें से दोस्तों लगभग हर बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और काफ़ी क्वेश्चन आज तक UGC नेट पेपर फर्स्ट में आए हैं, तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक बातें पता होना चाहिए। देखिए जब हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सी है। कई दोस्त इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ईस्ट होते जो पूर्व की दिशा होती है उसे हम कहते हैं ईस्ट, वेस्ट जो होते हैं वो जो पश्चिम की दिशा होती है जहाँ पर सूरज छिपता है वो कहते, और जो उत्तर की दिशा होती है उसे हम नॉर्थ कहते हैं और दक्षिण की जो होती है उसे हम साउथ कहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले बेसिक चीज़ ये हमें पता होना चाहिए। और इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों कि थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझने वाली है, वैसे तो हर कोई अपने हिसाब से क्वेश्चन करता है, कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश करना अपनी फिगर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आपका जो चेहरा है वो इसकी तरफ होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, और जो आपका दायां जो हाथ है वो होना चाहिए ईस्ट की तरफ और बायां जो हाथ है वो होना चाहिए वेस्ट की तरफ होना चाहिए। इसकी भी मैं फिगर आपको बना के दिखाऊंगा, एक मिनट रुकिए। देखिए जैसे हम बनाते हैं कि एक ये कोई लड़का है यहाँ पे है और इसका ये इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इसका जो राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है और जो इसका लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट की तरफ है और इसका जो चेहरा है वो नॉर्थ की तरफ है। इस तरीके से आपको ये बनानी है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा भी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। अब एक चीज़ और अब कुछ डायरेक्शन और होती है इनके अंदर, बीच में जो डायरेक्शन होती है, देखिए जैसे ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं और वेस्ट और साउथ के बीच में होती है उसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनका भी हमारे क्वेश्चन पेपर में यूज हो सकता है। और हमें दाएँ और बाएँ किस तरीके से मुड़ना है क्वेश्चन के अंदर आएगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सी है और हमें किस तरफ मुंह करके खड़ा होना है ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन कर सकें। और इसके अंदर और चीज़ें देखते हैं, जैसे हम ये भी आप फिगर देख सकते हो, इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी की सारी डायरेक्शन। और इसके अंदर देखते हैं जैसे कि देखिए इसके अंदर क्या होता है, अपने आप को हमेशा उत्तर की तरफ करके देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। और जिस तरीके से देखिए इसके अंदर क्या कहा जाएगा, हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाएगा कि हमें दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है। जब वो दाएं मुड़ने की बात करें तो हमें दोस्तों जो क्लॉक हमारी चलती, घड़ी जिस तरीके से चलते उस तरह से हमें मुड़ना है, जब दाएं कहें तो। वो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक जो चीज़ है दोस्तों इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, वो है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में हमारा जो फॉर्मूला है वो लागू होता है। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये हमने 10th क्लास के अंदर किया हुआ है। जैसे कि हमें एक त्रिभुज दे दिया जाता है,
जैसे कि इसके अंदर हमें एक सिचुएशन बन जाती है और वो सिचुएशन एक त्रिभुज के आकार की होती है, ट्राइंगल के आकार की बन जाती है सिचुएशन। तो उसके अंदर हमें ये पता करना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो उस टाइम हमारा पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला लागू होता है। और इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है दोस्तों, जो कर्ण जो होता है, कर्ण यानी कि डायगनल जो होता है हमारा, ये जो होता है ये इक्वल टू किसके होता है, लंब प्लस आधार। लंब मीन्स जो ये हाइट है इसका स्केयर प्लस में आधार यानी कि बेस है इसका। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन निकालते हैं। और यहाँ पे आप अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जैसे पाइथागोरस प्रमेय में होता इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए ये हो गया और बी ये हो गया, इसका ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इक्वल टू किसके होता है, सी का स्केयर, यानी कि जो हमारा डायगनल है कर्ण जो है उसके स्केयर के इक्वल टू होता है। और हमें जैसे इसके अंदर ए निकालना है, मान के चलिए हमें ये निकालना है, तो ये किसके इक्वल टू होगा, यहाँ पे ये जो बी है दोस्तों यहाँ के माइनस हो जाएगा, बी का स्केयर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और हमें सिंगल ए निकालना है तो इसका अंडर रूट होगा, इसका जो स्केयर रूट है वो हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से बी निकाल सकते हैं और सी निकाल सकते हैं। और ये ज़्यादा अच्छे से आपको जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए और इसके अंदर यही सारी चीज़ें ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वैसे हिंदी में पढ़ना चाहे तो। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसने कहा है कि संध्या अपने घर से शुरू होकर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाती है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे इसका जो साइज़ है हम वो छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा है कि संध्या जो है वो अपने घर से शुरू होकर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाती है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो डायरेक्शन हमें डिफाइन करनी है। तो हम कर लेते हैं, जैसे ये हमने कर लिया ईस्ट, ये कर लिया वेस्ट, और ये कर लिया नॉर्थ, ये कर लिया हमने साउथ, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब देखिए संध्या अपने घर से पूर्व की ओर चलती है 4 किलोमीटर। अब देखिए ये इस तरफ जाएगी, ठीक है, तो इस तरफ जाएगी तो जिस तरफ हमें जाना है उस तरफ हम जाएंगे, और हमारा जो दायां और बायां है वो हाथ देखेंगे कहाँ होगा। देखिए हमारा चेहरा इस तरफ है, हम इस तरफ देखते हुए जा रहे हैं, इस तरफ देखते हुए जा रहे हैं, तो हमारा दायां और बायां हाथ कहाँ होगा दोस्तों वो बताइए। हमारा जो दायां हाथ होगा वो इस तरफ होगा और बायां हाथ होगा वो हमारा इस तरफ होगा, यानी कि राइट हैंड यहाँ पे होगा और लेफ्ट हैंड हमारा यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, यानी कि ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, जिस तरफ हम देख के चल रहे हैं उसके राइट साइड में हमारा होता है दायां हाथ, और जो बायां होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। अब देखिए अब इसके अनुसार देखते हैं कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए इसने कहा है कि इसने कहा है कि संध्या अपने घर से शुरू होकर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। तो हम मान लेते हैं ये यहाँ तक 4 किलोमीटर हो गया, ये हो गया 4 किलोमीटर तक, यहाँ तक वो जाती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखिए अब ये बात आती है दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ने का मतलब इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ मुड़ना है, ये हमें ध्यान में रखना है। और ये चीज़ मैंने अभी भी बताई आपको कि हमारा इस तरफ मुंह है, इस तरफ देखते हुए हम जा रहे हैं, तो हमारा जो दायां जो होगा दोस्तों वो इस तरफ होगा। तो यहाँ पे हम कितना किलोमीटर मुड़ते हैं, 3 किलोमीटर मुड़ते हैं, यहाँ पे हम 3 किलोमीटर चल लिए, यहाँ पे हमें 3 किलोमीटर चले। अब हमें बताना है उसके घर तक पहुँचने के लिए सबसे कम दूरी कौन सी है। अब देखिए वो उसका घर कहाँ था, घर यहाँ पे था संध्या का। अब उसे घर में पहुँचना है, दोबारा घर में जाना है, तो उसकी सबसे कम दूरी कौन सी होगी। सबसे कम दूरी तो दोस्तों ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये दूरी होगी। तो ये दूरी हमें निकालनी है, और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला था वो लगेगा। और उसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर। यहाँ पे ए बी सी कौन सा है दोस्तों, ए जो है हमारा ये 4 है, बी हमारा ये 3 है, और सी जो है हमारा ये दोस्तों डायगनल, ये हमें निकालना है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से निकलेगा, चलिए मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, जल्दी से इरेज कर देते हैं हम इसको। अब देखिए
अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन निकलेगा हमारा, हम चार का स्केयर कर देते हैं, तीन का स्केयर कर देते हैं और यहाँ पे सी का स्केयर, यानी कि जो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है ये आ जाएगी। अब इन दोनों का स्केयर कर दे, चार चौके 16, तीन तिया 9, ये आ जाएगा सी का स्केयर। 16 और 9 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 25। 25 अब कहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे लिख देते हैं 25 इक्वल टू सी का स्केयर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास सी स्केयर क्या आया दोस्तों, सी स्केयर जो आया है हमारे पास 25 आया है। और अगर हमें ओनली सी निकालना है तो सी निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, 25 जो है इसका अंडर रूट होगा, अंडर रूट करने पे सी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। तो संध्या जहाँ पे अभी वो खड़ी है और उसके घर की जो दूरी है वो क्या होगी दोस्तों, 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, या आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूँगा। और अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, इसने कहा है कि मोहन ने अपने घर से शुरुआत की और पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। अब इसके अंदर भी वही बातें करते हैं हम, इसके अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, मोहन ने अपने घर से शुरुआत की और पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया, यानी कि इस तरफ उसने आना शुरू कर दिया। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, अब उसने हम मान लेते यहाँ तक उसने 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली, वह दाईं ओर मुड़ा। अब दाईं ओर मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा, ये हमें देखना है दाईं कौन सा बाईं कौन सा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। दाईं ओर मुड़ा और वो 3 किलोमीटर चला। अब दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, और पहले कितना चला था, 5 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, वह फिर दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान में रखने वाली है कि अब इसका चेहरा किस तरफ है, इस तरफ चेहरा है इसका। वह फिर दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए यहाँ पे उसका दायां बायां कौन सा होगा, यानी कि राइट और लेफ्ट कौन सा होगा। यहाँ पे इसका दायां यानी कि जो राइट है वो ये साइड होगी दोस्तों, इस तरफ की जो साइड है वो होगी इसकी राइट साइड। फिर क्या है कि ये 5 किलोमीटर चला, यानी कि इस तरफ मुड़ के ये 5 किलोमीटर दोबारा फिर चला। अब देखिए इसके बाद उसने दाहिनी ओर दोबारा फिर दायां कह रहा है दोस्तों, तो दायां अब कौन सा होगा। अब देखिए अब इसका चेहरा इस तरफ है, यानी कि ये इस तरह से चल रहा है। अब इसका दायां कौन सा होगा दोस्तों, अब इसका दायां इस तरफ होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दायां बायां जो राइट जो होता है, दायां जो होता है उसको हम क्लॉक वाइज यानी कि जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है उस साइड में हम मुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दाईं तरफ मुड़ा और 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री ये मान लेते इस तरीके से, ये 30 डिग्री मुड़ा और 6 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये मान लेते ये 6 किलोमीटर चला यहाँ पे इस तरीके से 30 डिग्री मुड़ के, ये कितना चला, 6 किलोमीटर चला। वह किस दिशा में है और वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहला वह किस दिशा में है और वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक चीज़ देखिए, ये हमें क्या मिल गया, एक डायगनल मिल गया जिसपे हमारा पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लागू होगा। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इन्होंने बता दी 6 किलोमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे 3 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ से हमारी आ गई, यानी कि मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट रुके ये इरेज कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरीके से ग्राफ बन गया। यहाँ पे ये 6 किलोमीटर आ गया और ये हमारा 3 किलोमीटर, क्योंकि ये देखिए ये जो 3 किलोमीटर है ये इक्वल टू इसके होगा, ये 6 और 3 आ गया। अब हमें जो डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों, वो डिस्टेंस हमें, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। और ये डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी, ये उसी तरीके से निकलेगी जो मैंने पाइथागोरस प्रमेय में बताया था। इसमें ये कर्ण है दोस्तों हमारा, ये ऊंचाई है, हाइट है, और ये हमारा आधार है, ठीक है। तो ये यानी कि हमारा बेस है, तो इस बेस पर जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगेगा वो आप लगा के
निकाल के दिखाना मेरे को और बताना क्या इसका आंसर आएगा। ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। और जो जो दोस्त इसका आंसर निकाले वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना हमें। और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों, उसके अंदर हम और भी काफ़ी क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आज तक जितने भी UGC नेट के अंदर क्वेश्चन आए वो सभी के सभी क्वेश्चन आज हम इवनिंग की वीडियो में करवाने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।